Hello children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. So today I am going to teach class 7 student a chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. I am going to teach the part 1st of it today. And the link of the part 2nd is given in the description box. So please check it out. So let's begin. Begin with the chapter A Gift of Chappals, yani ki chappalon ka upahar. Mridu is a young girl growing in Madras, now called Chennai, with Tapi and her grandmother and Thatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. Mridu ek choti si bachi hai jo Chennai ya Madras mein kiske saath rehti hai? Apni grandmother yani ki Tapi aur grandfather yani ki Thatha ke saath rehti hai aur ek din dopahar mein uski dadi us yani ki uski Tapi jo thi us Mridu ko uski aunt Rukmani के वहाँ लेकी गई ताकि वो अपने कज़न लाली रवि और मीना से मिल सकें. तो पढ़ते हैं आगे क्या हुआ. स्माइली रुकमणी थ्रू ओपन द डोर. तो जो जब वो रुकमणी के वहाँ लेके गई थी मृदु को, तो रुकमणी ने मुस्कुराते हुए डोर को खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना तेजी के साथ बाहर निकले. रवि पुल मृदुज इन टू द हाउस. और रवि ने मृदु को अपने घर के अंदर की ओर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. तो जब रवि मृदु को खींच रहा था तो मृदु ने बोला, प्रोटेस्ट करते हुए बोला, उसको रोकते हुए बोला कि रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स को उतारने दो, मुझे अपनी चप्पलों को उतारने दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और उसने बाहर उन चप्पलों को अच्छे से नीटली साफ सफाई के साथ पेयर बना के बड़ी जो काली चप्पलें रखी थी उनके बगल में रख दिया. यानी कि एक जोड़ी काली चप्पलें वहाँ ऑलरेडी रखी हुई थी, उसके बगल में उसने बड़ी नीटली पेयर के साथ अपनी चप्पलों को रखा. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वो जो ब्लैक चप्पल थी एक्चुअली क्या थी, वो ग्रे दिखने लग गई थी क्योंकि डस्ट की वजह से, धूल इतनी लगी थी उन चप्पलों में कि वो ब्लैक चप्पल अब ग्रे दिखने लग गई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और क्योंकि मैं डस्ट थी तो पहनने वाले के टोज के इम्प्रेशन साफ साफ उसके फ्रंट पार्ट में चप्पल के आगे के हिस्से में साफ साफ देखे जा सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि वो चप्पलें बहुत डस्ट वाली थी, उनको पहनने से फिंगर के सारे इंप्रेशन आ गए थे, तो उसमें जो दो बिग टोज के जो इम्प्रेशन आए थे वो अगर आप देखें तो कैसे लगते थे, वो लंबे से लगते थे और स्क्रोनी मतलब पतले, ठीक है, पतले और लंबे से लगते थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर देवर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरी बेरी बुश. मृदु को सोचने का टाइम ही नहीं मिला, कि समझने का टाइम ही नहीं मिला कि ये स्लीपर्स जो उसने देखी थी ब्लैक कलर वाली जो ग्रे हो गई थी डस्ट की वजह से, वो किसकी हैं, ठीक है. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर. मृदु को सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि ये स्लीपर किसकी हैं, क्योंकि उतने में ही जो रवि था उसने खींचा, ड्रैग करा मृदु को बैकयार्ड की तरफ, ठीक है, बैकयार्ड की तरफ खींचा. जो और कहाँ ले गया वो रवि मृदु को खींच के, एक घनी सी बैरी की बुश के पास, झाड़ी के पास, बैरी की झाड़ी थी उस तरफ ले गया. इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वहाँ देर इनसाइड वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसमें लाइनिंग थी एक बोरे का एक लाइनिंग टुकड़ा था उसके अंदर, और जिसमें सैंड भरी हुई थी, और उस सैंड के ऊपर एक छोटा सा किटन, एक छोटी सी किटन कैट का बेबी वहाँ था, और लैपिंग अप मिल्क जो कि दूध पी रहा था, कहाँ से, कोकोनट शेल से, कोकोनट के एक आधे टूटे हिस्से यानी कोकोनट शेल से वो दूध पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना. मीना ने बोला कि जो कैट थी उनको गेट आज सुबह ही गेट के बाहर मिली, जो कि म्यू म्यू करके आवाज़ कर रही थी बेचारी, जो म्यू म्यू की आवाज़ कर रही थी, ऐसा मीना बोली. इट्स अ सीक्रेट. ये एक सीक्रेट है. अम्मा सेज पाटी विल लीव फॉर अवर पैडू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. और मीना ने इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है. अम्मा ने बोला है कि
कि अगर पाठी, यानी पाठी मतलब ग्रैंड मदर कहते हैं तमिल में, तो अगर पाठी को इस बात का पता चल गया तो वो इस कैट को हमारे मटरनल अंकल यानी कि मामा जी के पास, पैडू मामा जी के घर पे छोड़ आएगी अगर उनको ये पता चला कि हमारे पास एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दिस क्रीम्स ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हेयर रवि सेड रवि। तो रवि ने बोला लोग हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति हमको काइंड होना चाहिए, दया होनी चाहिए, दयालु भावना होनी चाहिए हमारी एनिमल को लेकर, लेकिन लेकिन जब ऐसा कोई हम करते हैं, ऐसा जब हम दया दिखाते हैं तो वो स्क्रीम्स वो चिल्लाते हैं हम पे, डांटते हैं और क्या बोलते हैं कि ऐसी गंदी चीज़ों को ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर, और ऐसी गंदी चीज़ों को यहाँ मत लाओ। मतलब वैसे तो लोग रवि ही कहना चाहता था कि वैसे तो लोग बोलते हैं कि एनिमल के लिए हमको दया रखनी चाहिए, उनकी हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो हमें डांटते हैं और बोलते हैं ऐसी गंदी चीज़ को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर फ्रॉम द किचन। फिर वो आगे बोलते हैं कि क्या तुम जानती हो एक थोड़ा सा दूध लाना किचन से कितना मुश्किल काम था। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पार्टी यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने, वो बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको देख लिया था। पार्टी सॉ मी, बोला कि पार्टी ने मुझे देख लिया था विद अ ग्लास इन माई हैंड, ग्लास एक ग्लास के साथ, अभी अभी उन्होंने मुझको देखा कि मेरे हाथ में एक ग्लास है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी I had to drink most of it to throw her off the scent. I told her, मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे दूध पीना है, बट जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, उनको एक्चुअली उन्होंने जिस तरह से का मतलब है कुछ सस्पिशियस वे में उन्होंने मुझे देखा, पार्टी को कुछ डाउट हो गया था मेरे ऊपर, वो यहाँ ये कहना चाह रहा है, तो इस तरह से उन्होंने मुझे देखा कि मुझे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा दूध उनके सामने पीना पड़ा ताकि थ्रो ऑफ हर सेंट, मतलब ताकि मैं उनको मिसलीड कर सकूं, ताकि वो अंडरस्टैंड ना कर पाए कि मेरा रियल पर्पस दूध ले जाने का क्या है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब बाद में जब मैंने मिल्क फिनिश किया तो उनको टम्बलर वापस चाहिए था। टम्बलर मतलब एक जो पतला सा लंबा सा ग्लास होता है, उसको हम टम्बलर बोलते हैं। तो पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो मैंने उनसे बोला कि पार्टी यानी कि ग्रैंड मदर, मैं उसको खुद से वॉश कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँ, मैं वॉश इस टम्बलर को खुद क्लीन कर दूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। आई हैड टू रन मतलब मुझे दौड़ना पड़ा और उस मिल्क जो मेरे पास मिल्क था बचा हुआ उसको पोर करना पड़ा, डालना पड़ा मुझे कोकोनट शेल पर, और मैं वापस गया और वॉश किया टम्बलर को यानी कि ग्लास, उस पतले लंबे ग्लास को, और उसको अपनी जगह पे वापस रख दिया उससे पहले कि मेरी दादी को कुछ शक हो जाए, सस्पिशियस मतलब ताकि कोई उनको कोई शक या डाउट ना हो, उससे पहले धोकर मैंने ग्लास को उसकी जगह पे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और फिर उस वो बोलता है आगे कि मुझे हम लोगों को अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से हम महेंद्रन को खिला सकें। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, तो मृदु पूछती है महेंद्रन क्या ये छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस्ड थी इस नाम से क्योंकि ये एक रियल नेम है, जैसे किसी लोगों का जैसे नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है वो वैसा नाम था, किसी क्यूट किटी के जैसा जैसे जनरली कैट्स का नाम रखा जाता है किसी क्यूट सी, वैसा नाम नहीं था, ये एक ऐसा नेम था जैसे किसी पर्सन का होता है, इसलिए ये सुनकर मृदु जो थी बहुत इम्प्रेस हो गई। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, और MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। फिर एक्चुअली वो बोलता है कि एक्चुअली जो उसका नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, MP पुन्नई बोल सकते हो आप इसको शॉर्ट में, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शॉर्ट में MP पुन्नई के नाम से बुला सकते हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बहुत अच्छी ब्रीड है, एक अच्छी ब्रीड है कैट की। जस्ट लुक एट हर फर, इसके फर को देखो, उसके कैट के फर को देखो, बोला लाइक अ लायंस मेन, ये किसके तरह लगता है, लायंस के मेन की तरह, लायंस के जो फेस के चारों जो बाल होते हैं उसको मेन कहते हैं लायन का,
तो वो बोलता है कि देखो उसके फर को, ये लायंस के मेन की तरह है. एंड यू नो दैट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेंडेंटली एट मृदु. एंड यू नो, अभी फिर पूछता है क्या तुम जानती हो कि जो एंशंट पल्लव, जो प्राचीन समय में जो पल्लव किंग्स थे, उनका जो एम्बलम था, उनके प्रतीक था जो उनका 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 वो क्या था, क्या तुम जानती हो? ऐसा पूछती है, पूछता है मृदु से, रवि पूछता है. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो बड़ी उम्मीद से मृदु का चेहरा देखने लगता है ऐसा पूछने के बाद. एक्सपेक्टेंटली का मतलब है बड़े उम्मीद से. मृदु गिगल्ड, मतलब मृदु इस बात को सुनकर थोड़ी सी हंसी. थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग. तो रवि बोला, तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ? क्योंकि जो मृदु थी वो इस बात को सुनकर हंसी, तो रवि को लगा कि उसको लग रहा है कि वो जोक कर रहा है. तो वो बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ? जरा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. और फिर वो आगे बोलता है कि ये तो क्लियर हो गया, इस बात का तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ऐसा रवि ने मृदु से पूछा. ही सेट मिस्टीरियसली, और इस चीज़ को उसने काफ़ी रहस्यपूर्वक, रहस्यमय ढंग से बोला. मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी. वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाताज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फिर वो आगे बोलता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो उसने एक स्टैचू देखी थी जो ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर की थी एक्सेट्रा, ऐसे बोलता है. वास्तव में फैक्ट इज, आगे बोलता है कि वास्तव में ये फैक्ट ये है कि महिंद्रा जो है, महिंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट. और जो महिंद्रन है, हमारी जो कैट है, इसका नाम उन्होंने महिंद्रन रखा था, उसके बारे में बोलता हुआ रवि कहता है कि हमारी जो कैट है वो उन्हीं की डिसेंडेंट है, उसी एंशियंट कैट की ही डिसेंडेंट है, उसी प्राचीन जो जो कैट की जो वहाँ की जो बात कर रहा हूँ उसकी वंशज है. अ क्लोज रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है उसकी, ऐसा वो बोलता है रवि मृदु से. साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ, अगर तथ्य वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बोलूँ, ऐसा कहता है वो कि तो ये कोई और नहीं बल्कि लायन, लायन की वंशज है, ऐसा वो कहना चाह रहा था. द पल्लवास लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवास डायनेसिटी. और जो पल्लवा डायनेसिटी का जो एम्बलम है, प्रतीक है, वो क्या था? लायन है, ऐसा वो बताता है मृदु को. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरी बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग. और रवि उसके बाद आगे जाता है, कहाँ जाता है? जो बिटरी बैरी की जो झाड़ी थी, बैरी की झाड़ी थी, उसके चारों ओर घूमता है. उसके हाथ में एक ट्विग होती है, पतली सी लकड़ी होती है, उसको वो ऊपर नीचे हिलाता है, वेव करता है, और उसकी आँखें, उसकी हिज आइज स्पार्कलिंग मतलब उसकी आँखें चमक रही होती हैं. द कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट. उसके आगे रवि बोलता है कि ये कैट है वो किसी और की नहीं बल्कि खुद महाबलीपुरम की जो ऋषि की जो कैट थी उनकी ही वंशज है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुमको रिमाइंड कराऊँ उस समय की बात, तो वो पूजा क्या करते थे एंशंट इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्शियन काल में वो लोग कैट की पूजा यानी कि वर्शिप किया करते थे. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. तो जब रवि उस कैट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, बहुत बढ़ चढ़ के बता रहा था कि ये किसकी डिसेंडेंट रही है, रही होगी, या फिर ये कैसी कैट है, तो उसकी बातों को सुनकर मीना और मृदु ने आपस में एक दूसरे को ऐसे देखा, यानी कि ऐसे अपने लुक एक्सचेंज किए का मतलब ऐसे देखा कि मानो वो एक दूसरे से कहना चाह रही हूँ कि जो रवि है, यानी कि ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, यानी कि जो रवि है ये कितना अपनी खुद की बातों से कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, या फिर कितना इसको अपनी बातें खुद अच्छी लग रही हैं. वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. फिर मृदु ने बड़ी अथॉरिटी के साथ पूछा, डिमांड किया, पूछा कि क्या इन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ से क्या क्या लिंक है, ठीक है, इससे क्या करना है इन सब बातों से, ऐसा उसने पूछा मृदु ने. हु आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्ट इट, या दैट्स इट. लेकिन जो रवि था वो अपनी बातों को कंटिन्यू करके आगे बोलता रहा कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ये कैट है किसकी डिसेंडेंट है, कि इजिप्शियन कैट गॉड की डिसेंडेंट है. फिर बोला कि नहीं, इजिप्शियन कैट गॉडेस की है. बोला बेस्टेड, बेस्टेड जो होते थे गॉडेस होती थी ऑफ एंशियंट इजिप्ट, ठीक है. तो वो फिर वो एग्री करा अपनी बातों में कि ये जो है एंशियंट कैट गॉडेस बेस्टेड की ही वंशज है. तो वो लोग पूछते हैं सो, मतलब तो
Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in a इन वन ऑफ द पल्लवा शिप. फिर वो आगे बोलता है हाँ देखो ऐसा हुआ होगा कि जो पुरानी कैट गॉडेस रही होंगी उनकी उनके जो वंशज होंगे वो पुराने समय में एक पल्लवास की शिप में बैठ के स्टोअवे हो गए होंगे. स्टोअवे मतलब चुपचाप छुप कर आना, मतलब पल्लवास के शिप में चुपचाप छुप कर आ गए होंगे. और उनके डिसेंडेंट एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबली महाबलीपुरम ऋषि कैट. और उनके डिसेंडेंट कौन रहे होंगे, कौन थे उनके डिसेंडेंट, थे महाबलीपुरम की ऋषि कैट. और महाबलीपुरम की ऋषि कैट की डिसेंडेंट इस रवि फ्लोरिस्ट हिस्ट्री एट महिंद्रा. तो रवि ने ऐसा बोला कि महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है अपनी जो उसके हाथ में टिक ट्विक थी छोटी सी पतली सी छड़ी थी उसको महिंद्रन यानी कि वो छोटी किटिक को के ओर कर दिखाते हुए बोला कि एमपी पुन्नई यानी कि एमपी पुन्नई ही है हेयर जो यहाँ पर है. फिर वो बोला ऊप ईक, फिर उसने ऊपर ईक की आवाज़ निकाली ही श्रीड, वो एक तेज की आवाज़ में चिल्लाया और वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ और अपने से वो बहुत खुश हुआ. यानी कि उसने ये माना कि जो पुरानी कैट गॉडेस की कोई वंशज रही होगी जो पल्लवास के शिप में छुप के आ गई होगी तो उसकी डिसेंडेंट जो बनी होगी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट बनी होगी. और अब इसी इन ऋषि कैट की जो वंशज है वो है हमारी एमपी पुन्नई, वो ये कहना चाहता था. और ऐसा सुन ऐसा कहकर वो बहुत खुश हुआ, अपने आप से बहुत खुश हुआ. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड. मैं जब रवि ने इतने जोर से चिल्लाया तो जो महेंद्रन था उसने बड़ी अलार्म्ड वे में महेंद्रन को देखा, उसने ऊपर की ओर देखा. ठीक है, महेंद्रन ने ऊपर की ओर बड़े अलार्म्ड वे में देखा. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. और वो क्या कर रहा था उस समय, वो अपने जो क्लॉज अपने पंजों को शार्पन कर रहा था, तेज कर रहा था, धार बना रहा था उनमें जो कोकोनट शेल के एज में यानी कि किनारे के कोकोनट शेल के एज में यानी कि किनारे के चारों ओर अपने क्लॉज को शार्पनिंग कर रहा था, अपने क्लॉज को पैना बना रहा था, शार्प बना रहा था. बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप्स ईक वॉज अ क्रिच फ्रॉम द विंडो. लेकिन जो रवि की बहुत ही ऑफुल मतलब वेरी बैड आवाज़ निकाली थी जो उसने रवि ने ऊप्स ईक की जो आवाज़ निकाली थी उससे भी ज़्यादा बुरा क्या था, क्रीच का साउंड, एक आवाज़ एक टाइप की जो कि विंडो की तरफ से आ रही थी. वट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड. वट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड. ये क्या अनोखी सी आवाज़ थी. और जो मृदु थी वो बहुत ही एक मतलब को बहुत शौक सा लग गया. ठीक है, स्टार्टल्ड का मतलब उसको बहुत शौक लगा कि ऐसी आवाज़ सुन के एकदम घबरा गई कहना चाहिए. एम पी पुन्नई वॉज फ्रैटेंड आउट ऑफ विट्स. और जो एम पी पुन्नई जो कैट थी वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, फ्रैटेंड थी, फ्रैटेंड आउट ऑफ विट्स मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी पुन्नई जो कैट थी छोटी थी. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड ही हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. उसके जो पूरे जो जब कैट डर जाती है तो उसके पूरे बाल खड़े हो जाते हैं. तो यहीं पर लिखा गया है कि हेयर स्टैंडिंग उस कैट के पूरे बाल खड़े हो गए थे. ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्रे. और वो ही बाउंस्ड अप मतलब वो कूदा ऊपर की ओर कूदा और स्क्रीड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री. और वो यानी कि स्क्रीड का मतलब होता है मूव हरीली. वो जल्दी से किधर की ओर गया, स्क्रीड का मतलब होता है मूव हरीली टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्री. वो जल्दी से बैम्बू ट्री की ओर गया, बैम्बू से बनी हुई ट्री की ओर गया जिसके ऊपर रेड चिली सुखाई गई थी बाहर. ठीक है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट. और ताकि वो और उसने क्या कोशिश करने लगा, वहाँ जाके अपने को उसके नीचे छुपाने की कोशिश करने लगा. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. टिप्ड मतलब होता है कवर करना. और उसने कुछ ग्रीन चिलीज को सॉरी रेड चिलीज को अपने ऊपर कवर किया करने की कोशिश की, अपने को कुछ रेड चिली से कवर करने की कोशिश की. मी आऊ ही हॉल्ड मिजरेबली. और उसने मी आऊ का साउंड किया. हॉल्ड मतलब होता है हाउल का मतलब होता है जोर से रोना, मतलब दयनीय. मिजरेबली वो मतलब होता है बहुत पिटीफुल या फिर दयनीय. तो वो बहुत दयनीय तरीके से मिजरेबल ढंग से जोर से रोने लगा. हाउल का मतलब जोर से रोना, स्पेशली एनिमल्स के लिए आता है हाउल्ड. द क्रिचिंग्स वेंट ऑन एंड ऑन व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. ये क्रिचिंग का जो साउंड आ रहा था विंडो की ओर से वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. और तो मृदु पूछती है कि ये क्या है, व्हाट That noise, ये कैसी आवाज़ है. That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. रवि बोला कि ये लाली है जो कि
अपना वायलिन बजाना सीख रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. फिर रवि आगे कहता है कि ये वो कभी भी कुछ नहीं सीखेगी, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर तो गोज़ ऑन प्लेइंग मतलब बजाते ही रहते हैं, वायलिन बजाते ही रहते हैं, जैसे कि एक ट्रेन होती है विजिंग साउंड के साथ आगे चलती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे हमारे सर भी आगे बजाते बढ़ते जाते हैं, मतलब बजाते जाते हैं, लेकिन जो लाली होती है वो डिरेलिंग हो, जैसे ट्रेन जो एक्सीडेंटली ट्रैक से बाहर आ जाती है उसको डिरेलिंग कहते हैं. तो यहाँ पर आएगा कि ऑफ द ट्रैक हो जाना, यानी कि जो जो लाली होती है वो कभी भी ट्रैक में बजाती नहीं है, वो हमेशा ट्रैक के ऑफ द ट्रैक बजाती है, मतलब अच्छा नहीं बजाती है. मृदु कैप्ट अप टू द विंडो. मृदु जो होती है वो स्लोली से चुपचाप से क्रैप्ट अप, मतलब स्लोली स्लोली होता है तो टू मूव स्लोली होता है, क्रैप्ट अप का मतलब जो मृदु होती है वो चुपचाप से विंडो के पास जाती है और लाल तो देखती है अंदर. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वॉलिन एंड बोस्ट्रिंग हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विथ कंसनट्रेशन. और क्या देखती है कि लाली जो है थोड़ी दूरी पर बैठी हुई है और बहुत ही उसने ऑकवर्डली मतलब बहुत ही क्लम्जिली कह सकते हैं या अनकम्फर्टेबली उसने अपना वॉयलिन और उसकी जो वॉयलिन की स्ट्रिंग होती है जिससे बजाया जाता है वॉयलिन उसको पकड़ा हुआ होता है, और उसने इस ढंग से वॉयलिन को पकड़ा होता है कि जैसे कि और अपने एल्बो में इस ढंग से उसने वॉयलिन को पकड़ा होता है कि मानो उसका जो एल्बो है वो जटिंग आउट, मतलब जटिंग आउट का मतलब होता है एक्सटेंडेड बियॉन्ड, मतलब इतना ज़्यादा दूर एक्सटेंड किया उसने अपने एल्बो को, इतना दूर उसने खींच के रखा होता है ऐसे रख, इस तरह से वो बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में क्या होती है कंसंट्रेशन की चमक होती है. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ इट बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. और उसके ही सामने लगभग अपनी पूरी बैक को विंडो की ओर करके एक बोनी फिगर यानी कि एक पतले से हड्डी जैसे ज़्यादा जिसमें बोनी होती है, बोनी फिगर जैसे जो पतले दुबले लोग, एक ऐसी पतली सी फिगर होती है जो कि थे उसके म्यूज़िक मास्टर, जो कि थे उसके म्यूज़िक मास्टर. ही हैड अ मोस्टली ब्लैड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. और वो जो उसके म्यूज़िक मास्टर थे वो लगभग मोस्टली गंजे थे, मतलब उनके बाल बहुत कम थे, वो ब्लैक थे और उन्होंने उनके जो बाल थे वो बहुत ही कम थे और उसमें उन्होंने थोड़े बालों में उनके जो बाल थे जो भी थे बचे हुए वो काले कलर के थे और उन्होंने उसमें ऑयल कर लगा रखा था और वो उनके कान के चारों ओर थे और वो एक्चुअली कहना चाहिए कि उनके वो जो बालों का जो गुच्छा था, टफ्ट मतलब गुच्छा होता है, जो बालों का जो गुच्छा था वो कान के पीछे पीछे की ओर था ओल्ड फैशन वे में. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उनके गले पे एक गोल्डन चेन थी जो कि काफ़ी चमक रही थी, उनके गले में उनके जो गला था उसके चारों उन्होंने गोल्डन चेन पहनी हुई थी और डायमंड रिंग थी उनके हैंड में जो कि ग्लिटर्ड मतलब काफ़ी चमक रही थी. कब चमकती थी? जब वो वायलिन की स्ट्रिंग जो स्टेम को पकड़ के, जो वायलिन की जो स्टिक होती है जिससे वायलिन बजाया जाता है उसको पकड़ के जब वो ऊपर नीचे करते थे उस स्टिक को जब वायलिन बजाने के लिए, तो उस टाइम में जो वो डायमंड की जो रिंग थी उनके आँखों में सॉरी उनके हाथों में चमकती थी. अ लार्ज फूड स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज ओल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज और एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद हिज स्क्रोनी बिग टो. और एक लार्ज फुट एक बड़ा सा पैर उनके जो गोल्ड बॉर्डर जो गोल्ड की बॉर्डर वाली जो उनकी वेस्टी थी यानी कि जो धोती थी उसके किनारे से बाहर आ रहा था, एक बड़ा सा फुट उनकी गोल्डन बॉर्डर्ड वाली धोती के किनारे से बाहर आ रहा था और उसमें जो उनका जो वो स्क्रॉनी बिग टो था यानी जो पतला स्क्रॉनी मतलब पतला जो स्क्रॉनी बिग टो था उसको वो बार बार ज़मीन पे टाइम टू टाइम यानी कि बीट्स के अकॉर्डिंग ज़मीन पे पटकते थे, फ्लोर पे वो ऊपर नीचे करते थे बीटिंग्स के अकॉर्डिंग. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए वायलिन में. लाली टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हैप्लेस. अ फ्यू नोट्स मतलब म्यूजिक सर ने उनके कुछ नोट्स बजाए वॉलिन में. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉलिन और लाली ने स्टम्बल्ड का मतलब होता है फॉलोड हॉल्टिंगली मतलब रुक रुक कर उन नोट्स का अपने वॉलिन में पीछा किया, मतलब वॉलिन को बजाना शुरू किया उसकी सर की ट्रैक को फॉलो करने की कोशिश की लेकिन रुक रुक के. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. विच मतलब वॉलिन लुक क्वाइट
अनहैप्पी, यानी कि जो वॉयलिन था वो लाली के हाथों में काफ़ी हेल्पलेस सा लग रहा था और अनखुश सा ही लग रहा था, मतलब वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था लाली के हैंड में. व्हाट अ डिफरेंस, क्या अंतर है. द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलेडी. फिर रवि कहता है कि क्या अंतर है, देखो द म्यूजिक मास्टर जब नोट्स बजाते हैं वायलिन में तो ऐसा लगता है कि ये मधुर नोट्स ऊपर हवा में उड़ते जा रहे हों और परफेक्टली सेट हो जाते हों उन इनविजिबल, मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ट्रैक्स में जाकर खुद ब खुद फिट हो जाते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि इतना मधुर, इतना मेलोडी, फुल ऑफ मेलोडी बजाते हैं. इट वॉज़ लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल एंड विजिंग अलॉन्ग. और ऐसा लगता है कि माना कि जो ट्रेन के पहिए हों, जो ट्रेन के पहिए हों वो सेट हो गए हों स्मूथली, बहुत ही कंफर्टेबली स्मूथली रेल पे, और रेल के जो व्हील्स हों रेल में एकदम कंफर्टेबली सेट हो जाएँ हो गए हों ऐसा लगते हैं. ये सब किसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है रवि, ये सब उन जो म्यूजिक सर जो नोट्स बजाते हैं वायलिन में उनकी तारीफ करते हुए कहता है, ऐसा रवि ने बोला. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड मूविंग इफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. और मृदु जो थी वो कंटिन्यूसली स्टेयर्ड, मतलब घूरती रहती है, देखती रहती है वो बड़े हाथों को, वो बड़ी रिंग वाले बिरिंग्ड, मतलब द जिसमें अंगूठी पहनी हो ऐसी हैंड्स को, जो इफर्टलेसली मतलब बिना किसी कोशिश के ही वायलिन के स्टेम को पकड़ के ऊपर नीचे जा रहे हो और इससे लवली म्यूज़िक बजा रहे हो. मतलब मेरी म्यूज़िक के सर थे इतना इफर्टलेसली, इतना बढ़िया म्यूज़िक बजाते थे कि जब वो म्यूज़िक बजाते थे वायलिन में तो उनको कोई कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी, यानी कि वो मास्टर थे उस चीज़ में. तो उसको ही जो मृदु थी वो लगातार देखती रहती है. स्क्वैक देयर वॉज लालीज डिरेलिंग अगेन. स्क्वैक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन का मतलब है कि एक स्क्वैक की आवाज़ ऐसे आवाज़ आई और फिर वो बोलते देखो लाली जो थी वो डिरेलिंग, मतलब वो ऑफ द ट्रैक हो गई फिर से. लाली देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, जो लाली थी वो फिर से ऑफ द ट्रैक हो गई थी, यानी कि प्रॉपरली नहीं बजा रही थी. अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ अम्मा करके एक आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ ऐसी रोती हुई आवाज़ गेट से आई. अम्मा बोली ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे. फिर अम्मा ने रवि से बोला कि जाओ रवि इस बैगर को दूर भेज दो. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. और ये चीज़ उन्होंने कहाँ से बोली, पीछे के वरांडे की ओर से रवि को आवाज़ देते हुए वो ऐसा बोली कि जाओ बैगर को भेज दो, दूर भेज दो. वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. और जो अम्मा थी बैक वरांडा में तापी के साथ चैटिंग यानी कि बातें कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. वो पास्ट वीक पिछले हफ्ते से रोज ही हम यहाँ आ रहा था. कौन, बैगर की बात हो रही है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. और ये सब फिर अम्मा कहती हैं कि अब ये समय आ गया है कि जाके वो किसी और घर को ढूंढे बैगिंग करने के लिए, यानी कि भीख मांगने के लिए. पार्टी एक्सप्लेन टू तापी. पार्टी ने ये एक्सप्लेन किसको समझाया, तापी को समझाया. तो बच्चों ये था मेरा पार्ट फर्स्ट, द गिफ्ट ऑफ चप्पल के पार्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन. और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से पार्ट सेकंड का वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूँगी. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.